हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो सीएचएसएल के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था 2019 का, जो आपका टीयर वन का रिजल्ट आया था। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर भी थे, तो उन स्टूडेंट को किस हिसाब से टीयर टू की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि उनको एक जॉब मिल जाए, क्योंकि आज के टाइम पर जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जब तक अपनी ट्राई वो कर सकते हैं, वो अपनी ट्राई करते हैं एग्ज़ाम देने की ताकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएं। प्राइवेट सेक्टर में यार बहुत कम लोग जो हैं वो जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर वक्त काम करने की ही आपको पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आपको कैसे ना कैसे करके आप एक रिलैक्सेशन महसूस करते हो, आपकी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट यार बॉर्डर लाइन पे थे बिल्कुल भी निराश मत होइए। और हर बच्चे का यार मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। कल मैंने जब वीडियो डाली थी तो हर 2 से 3 मिनट पे एक कमेंट आ रहा था, सबके मैं रिप्लाई कैसे कर पाता। इसलिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है, साथ में उन लोगों के लिए भी मोटिवेशन है जो लोग सिर्फ बॉर्डर लाइन पे हैं, कैसे वो स्कोर कर पाएँ। तो एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस मैंने तैयार किया है, 2-3 घंटे लग गए मेरे को ये एनालिसिस तैयार करने में आप लोगों के लिए। सच में मेहनत बहुत लगती है, डाटा भले ही आपको एक छोटा सा एक पेज पे दिखे। तो यहाँ पे 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 अक्टूबर को आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो यहाँ पे मैंने हमेशा से ही ये नोट करके रखा था, जब एनालिसिस थे तो वो एनालिसिस में मैंने आपको करवाए थे, तो साथ में ये सारी चीज़ मैं आपको बताता रहता था और नोट करता रहता था कि हाँ आज स्टूडेंट इस शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट जो हैं वो करके आए। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चे कितना स्कोर करके आए हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, 17 मार्च शिफ्ट वन, शिफ्ट सेकेंड एंड शिफ्ट थर्ड। तो मैंने इसको 5 जो है वो उसमें डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक ईजी टू मॉडरेट, एक मॉडरेट, एक मॉडरेट टू हार्ड एंड हार्ड। उनके अकॉर्डिंग अलग अलग शिफ्टों में क्या हो रहा है मैंने नॉर्मलाइजेशन स्कोर कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन देखिए वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि एक बच्चे को, कुछ बच्चे को 10% मान लो किसी, जैसे मैं 13 अक्टूबर शिफ्ट सेकेंड की बात करता हूँ, इसमें एवरेज स्कोर 119 आया है। तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पेपर बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे यार सीजीएल की भी तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को सीएचएसएल का पेपर आसान लगा होगा। हो सकता है कि उसमें 60% ऐसे बच्चे हों जिनको पेपर आसान लगा हो और बाकियों को पेपर क्या लगा हो, मुश्किल लगा हो। बट ऑन एन एवरेज देखा जाता है, इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती इस पर मैथ टफ आया था या फिर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुतों के मार्क्स ज़्यादा हैं मैथमेटिक्स में, ये चीज़ नहीं देखी जाती, ओवरऑल देखा जाता है। अगर ऐसा ना देखा जाए तब तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाएगा, इसको एनालाइज करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एवरेज देखा जाता है कि उस शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है वो एवरेज स्कोर क्या लेके आ रहे हैं, उसके बेसिस पे ही सारे स्कोर्स को बराबर किया जाता है। तो ऐसे में आप अलग अलग शिफ्टों के मार्क्स देख लीजिए एवरेज, फिर उसके बाद आप खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन होके फाइनल में स्कोर क्या बनेगा। और साथ में जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं उनको भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगा वीडियो के एंड में। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग स्कोर। तो यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये 5 अलग अलग कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई कर दिया है। इजी, तो इजी शिफ्ट में मैंने आप पूरा मेंशन कर दिया है, 19 मार्च का, 17 मार्च का, 12 अक्टूबर का इजी शिफ्ट है। ऐसे ही आपका शिफ्ट सेकंड में कोई भी नहीं है, और शिफ्ट थर्ड में आपका 18 मार्च, 19 मार्च, 19 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर, ये आपका शिफ्ट थर्ड में हो गया। इसके अलावा इजी टू मॉडरेट में मैंने जैसे लिखा हुआ शिफ्ट वन में 14, 15, 16, 19 अक्टूबर को आपका इजी टू मॉडरेट आया। शिफ्ट सेकंड में आपका 17, 18, 19 मार्च को ये इजी टू मॉडरेट था, 16 और 19 अक्टूबर को इजी एंड मॉडरेट था शिफ्ट सेकंड में। इसी तरह से आप शिफ्ट थर्ड में देख लीजिए, 17 मार्च को था और 13, 14, 15, 16 अक्टूबर को शिफ्ट थर्ड में आपका इजी टू मॉडरेट था। इसी तरह से आपका मॉडरेट लेवल में आपका 18 मार्च और 21 अक्टूबर को था। शिफ्ट सेकंड में आपका मॉडरेट लेवल में 12 और 15 अक्टूबर को था, और 20 अक्टूबर को आपका मॉडरेट था शिफ्ट थर्ड में। इस तरह से मॉडरेट टू हार्ड है, ये 20 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड था, 14 और 21 अक्टूबर को शिफ्ट सेकंड में आपका मॉडरेट टू हार्ड था, और 21 जो अक्टूबर है
उसमें आपका मॉडरेट टू हार्ड था शिफ्ट थर्ड में। इस तरह से हार्ड की मैं बात करूँ तो 13 तारीख की शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट फर्स्ट में आपका हार्ड था, और 20 की शिफ्ट सेकंड में, 20 अक्टूबर की शिफ्ट सेकंड में आपका ये हार्ड था। तो इसी तरह से आगे फिर नॉर्मलाइजेशन मैंने किया है इस अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख ले, इजी शिफ्ट वाले जो थी 142.5 से मैंने 149 वाली इजी शिफ्ट में काउंट किए हैं। इजी टू मॉडरेट वाले में मैंने 136 से 142.5 वाले काउंट किए हैं। मॉडरेट वाले में मैंने 131 से 136 लिया है। मॉडरेट टू हार्ड वाले में 126.5 से 131 लिया, और हार्ड वाले में 118 से 126 के बीच में ये शिफ्ट मैंने हार्ड मानी है। तो ऐसे में जो मार्क्स हैं वो आपके लगभग 148 के 149 के आसपास नॉर्मलाइज करने चाहिए। तो 0 to 7 ईजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो आप हमने उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके मार्क्स जो हों किस किस हिसाब से आपके वेरिएशन कर सकते हैं। कुछ के 5 मार्क्स भी ऐड हो सकते हैं, कुछ के 6 मार्क्स भी ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अगर तो अगर किसी के सपोज़ करो 150 मार्क्स हैं, तो उसके इस रेंज में आपके मार्क्स जो हैं वो ऐड अप हो जाएंगे इस रेंज में, 0 to 7 के रेंज में। इजी टू मॉडरेट में आपके 7 से 12 मार्क्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। मॉडरेट में आपके 12 से 18 मार्क्स तक आपके जो है वो ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मॉडरेट टू हार्ड जो शिफ्ट है उसमें आपके 18 से 22 मार्क्स तक आपके ऐड हो सकते हैं, और हार्ड शिफ्ट में आपके 22.5 से लेकर के 30.5 मार्क्स तक आपके ऐड हो सकते हैं। अगर किसी के 120 नंबर हैं तो 120 में आप 30 जोड़ लीजिएगा, तो यानी कि 150 के आसपास उसके मार्क्स जो हैं वो हो जाएंगे। कट ऑफ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एनालिसिस उसका बता ही दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कट ऑफ की, तो आप जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, तो मैं उन लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए, जो आपसे आगे निकल गए हैं स्टूडेंट, वो मैक्सिमम 5 से 10 मार्क्स पे ही आपके आगे निकले हैं। जो भी स्टूडेंट टीयर 1 में हैं, अगर आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हो, तो अगर वो स्टूडेंट जो है वो आपसे मैक्सिमम 5 से 15 मार्क्स के बीच में, इतने गैप पे ही आपसे आगे हैं, कोई 5 नंबर से आगे, कोई 10 नंबर से आगे है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में यार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है टीयर 2 के लिए। अब टीयर 2 में ही आपको वो कसर जो है वो निकालनी होगी। आपको 5 से लेकर 15 मार्क्स की जो कसर है वो टीयर 2 में निकालनी होगी। अब टीयर 2 के लिए देखिए, मैंने खुद भी अपना खुद का बेस्ट प्रिपरेशन कोर्स बनाया है। सच में इतने रीज़नेबल प्राइस में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और साथ में बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से लेटर लिखने हैं, किस तरीके से आपको एसे लिखने हैं, और ये भी बताया हुआ है कि मैंने आप लोगों को कि आपको वो चीज़ें क्रैम नहीं करनी, आपको उसमें से रिलेटेड फैक्ट्स ढूंढने हैं और उनको किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गवर्नमेंट स्कीम है, तो गवर्नमेंट स्कीम का इंट्रोडक्टरी पार्ट किस तरह से लिखना है, क्या क्या उसमें लाइंस होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको लिखना है उसकी बॉडी के बारे में, और लास्ट में आपको अपना सजेशन, अपना कंक्लूजन देना है कि यह स्कीम कितनी सक्सेसफुल रही और क्या क्या इसमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता था, क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते थे, डेट इज़ द कंक्लूडरी पार्ट, और इसका क्या जो है वो स्कीम से किस किन किन लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसका आइडिया आपको मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी बुक परचेज़ कीजिए, लेकिन मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में, जिसका आप डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक बार बुक्स भी दिखा दूंगा, तो मैंने इतने बेस्ट तरीके से वो बुक्स कंपाइल की हैं, मैंने 2-2 साल उसके लिए मेहनत की है। और साथ में इस बुक्स के साथ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैप्स की बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये आपका सिर्फ CGL तक वैलिड रहेगा, यानी कि CGL के जो Tier 3 होगा इस तक ही ये वैलिड रहेगा। इसी में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, साथ ही में इस डिस्क्रिप्टिव बुक के लेने के साथ ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 3 वोकैब्स की बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट बुक है ये वोकैब्स की, ऐसे नहीं बनी है ये वोकैब्स की बुक, और साथ में 1 idiom एंड फ्रेसिस की बहुत कमाल की बुक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इतना कोई नहीं करेगा आप लोगों के लिए। आप देख लेना, दूसरे चैनल पे आपके 2-2 हज़ार रुपये के कोर्स बेचे जा रहे हैं, और एक आपका अलग से क्या दे रहे हैं, ये इवैल्यूएशन ही करेंगे बस, और इससे ज़्यादा इवैल्यूएशन करने के कितना आपको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? पता नहीं, आई डोंट नो, मैं खुद ही हैरान हूँ कि कैसे कोई इतनी कीमत रख सकता है। और मार्केट में देख लीजिए आप, 500 की बुक आप मिलती है आपको, और वो भी पब्लिश होने के बाद आपको अपडेटेड नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अभी CGL के लिए टीयर 3 की कोई डिस्क्रिप्टिव की बुक परचेज़ की है, और वो आप अब जैसे इसका CHSL 2019 का डिस्क्रिप्टिव का आपका फेब्रवरी में
आपका पेपर होगा, तब तक कितने सारे टॉपिक्स जो हैं वो आ चुके होंगे, तो ऐसे में वो टॉपिक्स भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मैं जो आपको बुक्स प्रोवाइड करूँगा, मैं जो आपको बुक्स प्रोवाइड करूँगा उसमें एक बुक, उसमें अलग अलग बुक्स के लिंक हैं, उसमें एक लिंक आपको इस तरीके से होगा, वो अपडेटेड होगा, उसको आप जितनी बार भी आप अपडेट करोगे, मतलब आप जैसे CHSL के लिए वो बुक ले रहे हो और आप उसी लिंक से आप उसको दोबारा डाउनलोड करोगे, तो आपको हर वक्त अपडेटेड कंटेंट मिलेगा टिल जब तक कि आपका CHSL का पेपर नहीं हो जाता Tier 2 का। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, आप बुक कहीं से भी लीजिए, लेकिन मैंने भी बेस्ट बनाई है। तो आपको वो जो मार्जिन है वो आपका Tier 2 में ही निकालना है, 10 से 15 मार्क्स का। अगर आप 60 स्कोर कर रहे हो, अगर आप 58 स्कोर कर रहे हो, सो अपना टारगेट रखिए, आप 70 to 75 के बीच में आपको टारगेट रखना है। तो ऐसे में आपको अपनी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा है। आपके पास दिसंबर है, आपके पास नवंबर है, और आपके पास आधा नवंबर भी काफ़ी कुछ है, अभी गया नहीं है। आपके पास जनवरी है और आपके पास फरवरी भी बहुत पार्ट है। आप अच्छे से इस टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जो Tier 2 का एग्ज़ाम है 22 नवंबर को है CGL 2019 का, तो फिर उसके बाद मैं आपको जो है Tier 3 का जब पेपर हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ वो वाली बुक प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्टिव वाली। फिर मैं आपको वो कैब की बुक प्रोवाइड नहीं करूँगा। ये सिर्फ Tier 3 तक था जब ये पेपर था CGL का। अभी यानी आप लेते हो तो मैं आपको वो कैब्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में डिस्क्रिप्टिव की बेस्ट बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी लेना चाहें, यूट्यूब में कहीं और से लेना चाहें, किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल से। लेकिन मेरे जितना रीज़नेबल प्राइस और इतनी सारी बुक्स कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, फुली अपडेटेड है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, फुली अपडेटेड बुक। यह आपको बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रही है, उनके जो डिटेल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि बहुत मेहनत से ये बुक्स बनाई हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इतना कंटेंट, इतनी रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो वो सच में उसमें बहुत मेहनत लगती है। देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और 500+ स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक एनरोल कर चुके हैं इस साल की मैं बात करूँ तो, अलग अलग तरीक़ों से। आप डायरेक्टली जो हैं वो अगर लेना चाहें तो गूगल पे कर सकते हैं, या किसी और चैनल से, या फिर मार्केट से बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये PDFs आपको बहुत बेस्ट और लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। इसी तरह के बहुत सारे PDF है इसमें, मतलब इतने ऐसे लेटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक 500 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से आपके ऐसे लेटर होंगे इसमें, तो उसमें तो आपको सोचना भी नहीं है। और कंटेंट सच में बहुत ज़्यादा इसमें आपको इफ़ेक्टिव कंटेंट मिल रहा है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।